क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में ट्रैफिक लाइट के कलर रेड, ग्रीन और येलो ही क्यों होते हैं? इसके अलावा कोई दूसरा कलर क्यों नहीं? दोस्तों, ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो हर देश में होती है, लेकिन हमारे भारत में ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही फैली हुई है। अगर ट्रैफिक लाइट के इतिहास के बारे में बात की जाए तो पहले के समय में ट्रैफिक लाइट को ट्रैफिक लैंप के नाम से भी जाना जाता था। दुनिया का सबसे पहला ट्रैफिक लाइट डिजाइन बहुत छोटा बनाया गया। इसका आविष्कार 1868 में जेपी नाइट ने किया, जो रेलवे क्रॉसिंग सिग्नलिंग के इंजीनियर थे। इसे 18 दिसंबर 1868 को लंदन में स्थित संसद के सदनों के बाहर लगाया गया था, लेकिन इसको लगाए एक महीना भी नहीं हुआ था और ये विस्फोट हो गया। इसके बाद सन 1890 के दशक के अंत में यातायात पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो चुका था, इसलिए 1910 में शिकागो ने एक ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम बनाया। जब इस लाइट का यूज रेलवे में किया गया, तब इसमें 3 कलरों का यूज किया गया, रेड, ग्रीन और व्हाइट, जिसमें रेड का मतलब खतरे से था, ग्रीन का मतलब सावधान से था और व्हाइट का मतलब आप आगे जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इन लाइट के लेंस गिर जाते थे और फिर वहाँ व्हाइट लाइट नजर आती थी, जिसकी वजह से ड्राइवर को लगता था कि ट्रेन को आगे ले जाया जा सकता है। और कई बार पटरियों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता था या पटरी टूटी हुई होती थी, जिससे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता था। इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इन लाइट्स के कलर को चेंज करके व्हाइट को हटाकर ग्रीन को गो कर देते हैं, येलो को कॉशन यानी सावधान कर देते हैं और रेड कलर तो डेंजर का है ही। और यही चीज आज हमें सारे ट्रैफिक सिग्नल में देखने को मिलती है। इसके बाद से तब से आज तक ट्रैफिक लाइट में यही 3 कलर देखने को मिलते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का टॉपिक, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। सो टाटा बाय।